नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी अकाली दल और किसानों के भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयकों पर दस्तखत कर दिए हैं। राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही अब ये विधेयक कानून बन गए हैं। कृषि संबंधी दो विवादास्पद विधेयकों को लेकर देश में विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में किसान इस बिल के विरोध में सड़क पर हैं। किसानों को लगता है कि इस बिल की वजह से कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट्स की एंट्री हो जाएगी और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से हर बार किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि MSP पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिलों पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बिल की कॉपी फाड़ दी और आसन के माइक को भी तोड़ डाला था। इसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।